लोकसभा चुनाव 2019 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। 19 मई को होने वाले सातवें चरण में 8 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान होगा और आखिरी चरण के चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के रतलाम में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि महामिलावटी कह रहे हैं, हुआ तो हुआ, लेकिन अब जनता कह रही है कि अब बहुत हुआ। नए भारत के तमाम संकल्पों को पूरा करने के लिए आपको पूरी शक्ति से कमल खिलाना है। आपके एक एक वोट से चौकीदार को मजबूती मिलेगी। देश में पानी से जुड़ी चुनौतियों को दूर करने के लिए अब हमने जल शक्ति मंत्रालय बनाने का निर्णय लिया है। हमारे व्यापारी भाइयों के हितों का ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय व्यापारी बोर्ड का गठन किया गया। पीएम मोदी की चुनावी रैली आपको बताते हैं, उन्होंने कहा कि जनता कह रही है अब बहुत हुआ। लोकसभा चुनाव 2019 अपने आखिरी पड़ाव पर है। 19 मई को सातवें चरण में 8 राज्यों की 59 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। पीएम मोदी ने आखिरी चरण के चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस का नामदार परिवार ये क्या करते हैं, ये लोग पिकनिक के लिए देश के युद्धपोत का इस्तेमाल करते हैं और जब सवाल उठते हैं तो निर्लज्ज होकर के, बेपरवाह होकर के, कोई डर के बिना कहते हैं हुआ तो हुआ, हुआ 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 तो हुआ तो हुआ तो ये तीन शब्द नहीं है, एक कांग्रेस की विचारधारा है। ये तीन शब्द नहीं है, ये कांग्रेस का अहंकार है। ये तीन शब्द नहीं है, देश की जनता के प्रति उनका रवैया है। ये तीन शब्द नहीं है, ये देश की जनता को अपनी जेब में लेकर के घूम रहे हैं, ये अहंकार का प्रतीक है।